अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। और जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ व्हेन एंड वेयर। जिसका मतलब ये है हाउ मतलब कि हमारी हिस्ट्री कैसे बनी थी। ठीक है, जैसे कि आपने अभी क्लास 6 में पढ़ा जो हिस्ट्री थी वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री थी, उसके बाद आपने क्लास 7 में पढ़ा मेडिवियल हमारी जो हिस्ट्री थी, उसके बाद अभी जो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ इसमें हम जानेंगे कि हमारी हिस्ट्री जो है वो कैसे कैटेगराइज़ हुई थी, हमें किसने जो है हमारी हिस्ट्री को कैटेगराइज़ किया था। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और वैन हम इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि जो है हमारी जो डेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो डेट्स हैं इसमें वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जो है आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो सबसे फर्स्टली है वो है हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स। डेट जो है हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सो देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा टाइम था जब जो हमारे हिस्टोरियंस थे, यानी कि जो क्या है जो पास्ट की चीज़ें लिखते थे और जो पास्ट के बारे में पता लगाते थे, वो डेट्स से बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थे। मतलब उनसे उन्हें जो है डेट्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। देयर वर हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स। उनका क्या था, हीटेड मतलब हमेशा एक डिबेट लगे रहती थी डेट्स के बारे में, जो है वो डिबेट करते रहते थे। ठीक है, कि मतलब उनकी जो ये डिबेट चलती थी कि विच रूलर्स वर क्राउंड ऑन द बैटल वर फाउट, मतलब किस रूलर को जो है कब ताज पहनाया गया था, कब जो है उनके उन्होंने जो है बैटल्स लड़े थे। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों की डेट के बारे में जो उनमें डिबेट चलती रहती थी। सो इन कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट। अगर हम कॉमन सेंस या फिर नोशन में देखें, जो हिस्ट्री हमारे डेट का सिनोनिम्स है, मतलब कि हम हिस्ट्री में जैसे पास्ट की चीज़ें देख रहे हैं तो हम डेट्स के बारे में ही जो है मोस्टली उस टाइम लोग हिस्ट्री में देखना चाहते थे। ठीक है, आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इस सच अ कंसेप्शन ट्रू। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री हमें जो है बहुत ही बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें हमें जो है डेट्स याद करनी पड़ती है। तो क्या ये कंसेप्शन ट्रू है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी डेट्स जो होते हैं उसे याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पढ़े, कहानी बना के पढ़े, तो हिस्ट्री जो है हमें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आता है। सो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, चेंजेस के बारे में है, जो टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस अकर किए गए हैं, चाहे टाइम टू टाइम जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में ही हिस्ट्री पूरी है, जो चेंजेस अभी हुए हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ द थिंग्स वर एट द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये बेसिकली हम हिस्ट्री में ये पता लगाते हैं कि जो हमारी चीज़ें थी वो पास्ट में कैसी थी और जो हमारी चीज़ें हैं वो कैसे चेंज हुई हैं टाइम टू टाइम। As soon as we compare the past with present, we refer to the time we talk of before and after. जैसे जैसे हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि आज ये था, कल ये है, जैसे कि हम बिफ़ोर एंड आफ्टर, तो ऐसे हम अपने जो पास्ट को है उसे टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। हम ऐसे वर्ल्ड में अभी जहाँ ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो है पूछते ही नहीं, हम ना खुद से पूछते हैं ना किसी से जो है हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि जो हम अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं हम उसके बारे में हम कोई क्वेश्चंस पूछते ही नहीं हैं। हम इन सब चीज़ों को ग्रांटेड, मतलब हम इन सब चीज़ों को, जो भी हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट हैं, हम इन सब चीज़ों को ग्रांटेड लेके चलते हैं कि ये जो मतलब चीज़ें हमारे आसपास हैं ये पहले से ही प्रेजेंट है नेचर में, हम ऐसे लेके जो है चलते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्यूरियस होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और क्वेश्चंस करते हैं इन सब चीज़ जो हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में है। ठीक है, ऐसे जैसे मतलब कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल यू में वंडर। अगर मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं, कोई आदमी है वो रोड साइड टी स्टॉल में चाय पी रहा है, तो आप अगर उसे देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जो मतलब इंसान है उसने सबसे पहले चाय पीना कब स्टार्ट किया होगा या फिर कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया होगा।
लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ड एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। जब आप जब ट्रेन में बैठते होंगे या खिड़की से बाहर देखते होंगे तो बहुत से लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि सबसे पहले जो है ट्रेन कब बनी थी, या फिर जब ट्रेन नहीं थी तो जो लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे ट्रेन के बिना। सो रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गेट टू हेयर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू प्रिंट इट। अगर आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में, तो आप ये भी जानने के लिए क्यूरियस होते होंगे कि पहले जो लोग थे जब न्यूज़पेपर नहीं था, जब न्यूज़पेपर प्रिंट होना शुरू नहीं हुआ था, तो वो पहले के लोग जो है चीज़ें कैसे जानते थे कि उनके समाज में क्या चल रहा है, उनके सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो चीज़ें उनको कैसे पता चलती थी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज़ हो रहे हैं, जैसे कि कॉफ़ी कब हमारी जो है चाय पीना कॉफ़ी पीना लोगों ने कब स्टार्ट किया, रेलवे हमारी कब बनी, न्यूज़पेपर से पहले लोगों को न्यूज़ कैसे पता चलती थी, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, हम पास से रिलेटेड है, हम पहलू जो पहले चीज़ें हुआ करती थी उसके बारे में जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू द नोशन ऑफ टाइम। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, ये सब हमें एक पीछे टाइम पे ले जाते हैं, जहाँ हम जिस जो हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। ठीक है, बट टाइम हमेशा जो है प्रिसाइज, मतलब हम हमेशा ऐसे टाइम प्रिसाइज नहीं हो सकता है कि हम उसे डेट में या फिर मंथ में या फिर पर्टिकुलर ईयर में ही हम उसको प्रिसाइज करें, हम टाइम को बताएं। समटाइम्स कुछ बार ऐसा भी होता है कि इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बार ऐसा भी होता है कि हमें एक एक्चुअल हमें डिफ़िकल्टी होती है एक एक्चुअल डेट फिक्स करने में, कि बहुत टाइम पहले मतलब जो भी चीज़ें हुई थी हमें एक एक्चुअल डेट को प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो पीपल इन इंडिया, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने चाय पीना कोई एक ही दिन में, मतलब या एक ही दिन से, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं होगा कि उन्होंने उसी दिन से चाय पीना स्टार्ट किया होगा। उनको मतलब जो ये टेस्ट होगा उन्होंने किसी एक टाइम से स्टार्ट, मतलब ओवर अ टाइम उसे टाइम लगा होगा उन्हें शुरू करने में। ठीक है, देयर कैन बी नो क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो इसके लिए जो है हमारे पास कोई क्लियर डेट नहीं हो सकती है कि ये प्रोसेस हाँ इसी टाइम में शुरू हुई होगी। ठीक है, मतलब पहले से चलती हुई आ रही होगी, पहले एक ने फिर दो, मतलब ऐसे लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तो बाद में जो है ये चाय पीने की जो चीज़ है वो बहुत फेमस हुई होगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था या पर्टिकुलर डेट नहीं थी जिससे कि हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ इस दिन से लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश्ड। इसी तरीके से हम ऐसे ही कोई एक फिक्स डेट नहीं मतलब बता सकते हैं कि हमारा जो ब्रिटिश रूल हुआ है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो एक ही दिन में आके उन्होंने हमारी कंट्री में जो है राज करना तो शुरू नहीं कर दिया होगा, उनकी भी पहले से कोई प्लानिंग होगी, कोई प्लॉटिंग होगी, वो धीरे धीरे हमारी कंट्री में उन्होंने अपना जो है शासन बनाना शुरू किया। तो कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं है जिस दिन से उन्होंने हमारी कंट्री में जो है राज करना शुरू किया। ठीक है, सो व्हेन दे डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। सो जब टाइम का इतना महत्व ही नहीं है हमें, जब ये सब चीज़ें हमें अच्छे से ही नहीं पता, या फिर हम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये एक स्पैन ऑफ टाइम में है, या फिर हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाते हैं कि हाँ इस टाइम पे जो है चेंजेस विजिबल हुए हैं, तो फिर हम जो टाइम है उसको हिस्ट्री से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं, इतना एसोसिएट क्यों करते हैं पर्टिकुलर जो है डेट्स को। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। इस एसोसिएशन का भी जो है एक रीज़न है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं वो रीज़न क्या है। देयर वॉज अ टाइम वैन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। एक टाइम था जब हिस्ट्री में क्या था, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे पास में, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, या फिर जो है बहुत बड़े बड़े बैटल्स होते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स। ये सब चीज़ें जो थे पॉलिसीज़, जो हमारे रूलर्स थे या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग बैटल्स होते थे, उनके इवेंट होते थे। ठीक है, सो
हिस्टोरियंस मतलब जो ये सारी चीज़ें थी, जो ये डेट हम रखना शुरू करते हैं या फिर डेट्स जो होते हैं इतना इम्पोर्टेंट जिसके लिए हम बोलते हैं, ये सब रूलर्स के ही बारे में, मतलब जो मेनली हमारी मतलब एक जगह पे राज करते थे उनके लिए ही है। जैसे कि कुछ जैसे हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, द ईयर ही मैरिड। जैसे हिस्टोरियंस कुछ मतलब हिस्टोरियंस जो पास्ट के बारे में लिखते हैं वो ये लिखते हैं, मतलब वो इस ईयर के बारे में लिखते हैं कि ये ईयर है एक जिसमें कि कहीं का पर्टिकुलर राजा को ताज पहनाया गया होगा, एक ईयर होगा जहाँ पे जो है उसकी शादी हुई होगी, जहाँ उसके बच्चे हुए होंगे, ठीक है। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, एक कोई ऐसा ईयर जब उसने पर्टिकुलर वॉर जो है लड़ा होगा, ठीक है। द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। तो ऐसे ऐसे मतलब जो ये रूलर्स पर्टिकुलर कोई कोई रूलर्स होते हैं इनके बारे में चीज़ें जानने के लिए जो हिस्टोरियंस इनके फिक्स डेट लिखते हैं कि अब जैसे कोई रूलर कभी पैदा हुआ या फिर कब मरा या फिर कब उनकी शादी हुई, इस चीज़ की तो हमारे पास एक फिक्स डेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फिक्स डेट जो है उन सब चीज़ों की लिखते हैं, ठीक है। सो फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो यही सारी चीज़ें जो है इन्हीं चीज डेट्स के बारे में डिबेट होती है और ये जो डेट्स हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एज़ यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट टू ईयर्स, जब हम अगर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें पास्ट टू ईयर्स पिछले दो साल के ही बारे में देखें, मतलब जब वो टेक्स्ट बुक है उसके दो साल पहले की ही चीज़ें देखें, तो हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ द अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चंस, ठीक है। दे लुक एट हाउ पीपल एंटर्ड देयर लाइवलीहुड व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट केम अप। अगर हम इसमें पास्ट कुछ साल की पहले चीज़ों को देखें तो हमें इसमें ये दिखेगा कि जो हिस्टोरियंस हैं वो बस राजा और रानियों की कहानियों के बारे में नहीं लिखते हैं, वो और भी इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं, और भी क्वेश्चंस के बारे में लिखते हैं। जैसे कि पीपल जो हैं लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए अपनी दिनचर्या चलाने के लिए क्या करते थे, वो क्या खाते थे, और हमारी सिटीज़ जो हैं कैसे डेवलप हुई थी, हमारे मार्केट कैसे आए थे, जो किंगडम थे वो कैसे फॉर्म हुए थे, और जो कल्चर और सोसाइटी जो है वो कैसे चेंज हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हिस्टोरियंस लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा और रानियों की कहानी आपको हिस्ट्री के बुक में मिलेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी जो है आपको लोगों की दिनचर्या के बारे में, जो पहले लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ विच डेट, ठीक है, हम इसमें कि हमें मतलब हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि डेट को जो है उनको चूज़ करने का क्या सर क्राइटेरिया होता है कि कौन सी डेट जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट, मतलब हम ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे कि हम चूज़ करते हैं कि हाँ ये जो डेट है या जो सेट ऑफ डेट है ये इम्पॉर्टेंट है। द डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कम्पोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट, हम ऐसी डेट सेलेक्ट करते हैं जिससे कि हम जो हमारे जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनकी जो है स्टोरी बना सके। इवन जो वो स्टोरी होती है वो खुद में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट जो वो स्टोरी होती है दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उस टाइम पे जो पर्टिकुलर जिस पास्ट पे जो डेट हम देख रहे हैं, ठीक है, जो मतलब जिसके अराउंड हम डेट देख रहे हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे इवेंट हुए हो वो जो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, हम उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इफ़ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बी अपीयर सिग्निफिकेंट, अगर हमारा स्टडी का फोकस चेंज होगा, अगर हम नए इश्यूज़ को देखेंगे तो हमारी न्यू डेट्स सेट होंगी और हमारा जो है डेट्स विल बी अपीयर सिग्निफिकेंट, नई डेट्स जो है हमारी सेट होंगी, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कंसिडर एन एग्ज़ाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, एक एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए आप, एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जो हिस्ट्रीज अगर किसी ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी है, इंडिया के ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हमारी जो है हिस्ट्री लिखी है, तो इसमें क्या होगा, द रूल ऑफ ईच गवर्नमेंट जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट,
इसमें क्या था, जो हमारे ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने जो हमारी हिस्ट्री लिखी थी उसमें उन्होंने जो हमारे गवर्नमेंट जनरल हैं उनके ही बारे में सारी चीज़ें लिखी थी, उनके रूल्स के बारे में और जो उनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनके ही बारे में जो है ये सारी चीज़ें लिखी थी। एंड जो हमारी दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो ये हिस्ट्री हमारी जो है बनी थी, सबसे पहले जो हिस्ट्री हमारी शुरू हुई थी बनी थी ये हमारे जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनके जो रूल्स थे, इनके रेगुलेशन थे, जो इनकी पॉलिसीज़ थी, इन्हीं के बारे में सबसे पहले लिखा गया था हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। एंड एंडेड विद लास्ट वायसरॉय, वायसरॉय भी हमें जो है बाद में हम गवर्नर जनरल को ही वायसरॉय बोलते थे, और ये ख़त्म कहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसमें जो है हमने स्टार्ट किया था अपनी हिस्ट्री जो है हम लिखना, हमने नहीं, जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखना शुरू किया था वो इन्हीं के बारे में लिखते थे, जो गवर्नर जनरल है इन्हीं के इम्पोर्ट रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, और ख़त्म भी यहीं पे हुआ था जो हमारे लास्ट जो वायसरॉय थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, यहीं पे उन्होंने चीज़ें लिखना ख़त्म भी किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। सो इसमें है हाउ डू वी पैराडाइज, ठीक है, हम जो है टाइम टाइम पे जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनका पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो इन 1817 जेम मिल अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क। अब देखिए जो ऊपर जो हमारे ब्रिटिशर्स जो हमारी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी उसमें बस गवर्नर जनरल गवर्नर के बारे में ही चीज़ें लिखी गई थी, उसमें जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कंट्री के लोग हैं, जो वहाँ नॉर्मल वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो वहाँ के मर्चेंट हैं, या फिर जो भी वहाँ के आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनकी लाइफ के बारे में इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया था। इससे हमें बस उन लोगों के रूल्स, जो गवर्नर जनरल है उन्हीं के बारे में चीज़ें पता चल रही थी, ठीक है। तो इसके बाद 1817 में जो जेम्स मिल थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट मतलब जो हिसाब किताब का रखते थे सारी चीज़ों का, और पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे जो पॉलिटिक्स में जो रहते थे, ठीक है, उन्होंने एक मैसिव 3-volume वर्क, एक उन्होंने एक बुक उन्होंने इस्टेब्लिश की, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने जो है एक बुक इस्टेब्लिश की जिसमें उन्होंने क्या किया, इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods, तीन काल में जो है इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया, जैसे कि जो हिंदू में, सबसे पहले हिंदू में, देन मुस्लिम, देन ब्रिटिश, ऐसे उन्होंने जो है जो उन्होंने बुक हिस्ट्री के बारे में लिखा था उन्होंने ऐसे जो है हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया। द पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री। अब जो है ये पीरियडाइजेशन था जो ये हिस्ट्री को लिखने का, मतलब टाइम टाइम में जो चेंजेस आई हैं, ये जो लिखने का तरीका था ये फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो पहला तरीका था उसमें तो सिर्फ गवर्नर, जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल हैं उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन जो इन्होंने जेम्स मिल ने लिखा था, इन्होंने फिर भी जो हमारी हिंदी, जो पहले हिंदू लोग थे, फिर जो मुस्लिम लोगों का शासन चला था, हिंदू का जो अपर लेवल के लोग थे, अपर कास्ट लोग के लोग थे जो तानाशाही करते थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा था। तो इससे जो है हमें थोड़ा बहुत हिंदू लोगों के बारे में भी या मुस्लिम लोगों के बारे में भी, ब्रिटिश लोगों के अलावा जो है इससे हमें चीज़ें पता चली, ठीक है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स, हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करने का ट्राई क्यों करते हैं। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि हम जो है टाइम टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं, पहले जो चेंज हुए, अब जो चेंज हुए, उनको जो है टाइम टाइम पे कैप्चर कर सके और उन्हें कैटेगराइज कर सके, उन्हें उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हो गए और जो उनके सेंट्रल फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकें, ठीक है। सो द टर्म थ्रू विच वी पैराडाइज, दैट इज डेमोक्रेट एंड डिफरेंस बिटवीन पीरियड बिकम इम्पॉर्टेंट, दे रिफ्लेक्ट आर आइडियाज द पास्ट, दे सो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इसमें दिखाया कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैसे चेंज आया, पहले जो हिंदू का जो हिंदू वाला टाइम था उसमें कैसे जो अपर लेवल के लोग थे उन्होंने अपना तानाशाही दिखाया, फिर देन जो मुस्लिम वाला टाइम आया, फिर जो ब्रिटिश वाला टाइम, उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है।
मिल दो थॉट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैट यूरोप, मिल जो थे उन्होंने मतलब उन्हें यह लगता था कि जो एशियन की सोसाइटीज़ हैं मतलब जो एशियन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आती हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना, नेपाल, जो ये सारी कंट्रीज़ होती हैं ये मतलब ये सिविलाइजेशन में जैसे यूरोप या मतलब वो लोग हमें गवार समझते थे, वो समझते थे कि जो यूरोप है वहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वहीं लिटरेट लोग हैं, वही लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्ट्स रूल द कंट्री, तो उन्हों मतलब उनके अकॉर्डिंग यही था कि जब ब्रिटिश इंडिया पे नहीं आए थे उससे पहले क्या था, जो मुस्लिम और जो हिंदू के अपर लेवल के लोग थे वही कंट्री को रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड, मतलब उन्होंने ये बताया था कि जैसे रिलीजियस इंटॉलरेंस, जैसे रिलीजन के अकॉर्डिंग जैसे हिंदू हो गया, देन जो दलित लोग होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या फिर जो कास्ट का टैबूज होता है, कास्ट का हमें जो डिफरेंस हो गया, या फिर और भी बहुत सी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो थी, ये सारी चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता किया जाता था उन मतलब उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री की बुक लिखी थी उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब इसके बारे में उन्होंने हमें बताया था, ठीक है। सो, अब हम पढ़ेंगे कि मिल को ये लगा कि इंडिया जो सिविलाइज हुआ है, ठीक है, वो तभी हुआ है जब मतलब इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया, जब इंडिया में जो है कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ लॉज आए तो उसे लगा कि इसी के बाद इंडिया सिविलाइज हुआ है। पहले तो इंडिया में तानाशाही लोग थे, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश के आने के बाद ही जो है इंडिया सिविलाइज हुआ है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल, मतलब मिल को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश हैं वो जो इंडिया से सारा मतलब टेररिज्म को, सारी तानाशाही को वो उन्होंने दूर कर रखा है, और जो हैप्पीनेस इंडिया के लोगों में हैप्पीनेस फैलाई है, ठीक है, जो मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि बिना ब्रिटिश के हेल्प के जो है इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकती, उन्हें ऐसा लगता था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड एट द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, मतलब इस हिस्ट्री को पढ़ के, इस चीज़ को देख के यही आइडिया लगाया जा सकता है कि जो ब्रिटिश रूल है उसी की हेल्प से जो है इंडिया सिविलाइज हुआ, इंडिया ने प्रोग्रेस किया, ठीक है, बट ऐसा है नहीं। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन डार्कनेस, उसमें वो बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले जो है इंडिया में डार्कनेस ही डार्कनेस थी, ठीक है। तो क्या ऐसे जो कॉन्सेप्शंस हैं वो आज एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, क्या मतलब जो हिंदू और जो मुस्लिम्स थे या फिर जो हिंदू लोग थे वही आपस में लड़ते थे, ऐसा नहीं था, बट उन्होंने ऐसे ही चीज़ें जो है हमें बताई थी। सो इन एनी केस वी रिफर टू एनी पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, तो वही है कि ये सब चीज़ें मानते नहीं हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम है या फिर हिंदू ही हिंदू होंगे और कास्ट के लोग जैसे जैन लोग या बुद्धिस्ट लोग और लोग भी होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने हिंदू ही के बारे में बताया था और उनके तानाशाही मुस्लिम के तानाशाही के बारे में बताया था, और चीज़ों के बारे में उन्होंने नहीं बताया जो और भी वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती थी। सो वाई शुड वी कैरेक्टराइज an age only through the religion of the rulers or of the time, मतलब हम जो है सिर्फ religion के ही उसमें जो है हम क्यों categorized करते हैं, to do so is to suggest that the lives and practices of the other do not really matter, अगर हम ऐसा कर रहे हैं मतलब हम religion के हिसाब से ही divide कर रहे हैं या फिर जो upper level के लोग हैं उन्हीं के हिसाब से divide कर रहे हैं, तो इससे हमें यही दिखता है कि जो और लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, अदर की जो और लोगों की lives हैं, उनकी practices हैं, वो तो matter ही नहीं करती हैं क्योंकि उनके बारे में कहीं कुछ बताया ही नहीं गया है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डूड नॉट ऑल शेयर सेम फेट, ठीक है। सो मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, तो अब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से भी अगर हम आगे जाएँ तो जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, इसके बाद जो है इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था तीन पार्ट में, एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट जहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मेडिवियल था जो बीच का टाइम था, मॉडर्न जो अब का टाइम है या फिर जब हमारा टाइम जो अंग्रेज़ों का गुलाम था, ऐसे जो है हमारे हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को क्लासिफाई किया था।
दिस डिवीज़न टू हैड्स इट्स प्रॉब्लम, ये डिवीज़न में भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी. ठीक है, साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी. मतलब इससे यह है कि हमें जितनी भी चीज़ें मॉडर्न चीज़ें पता चली, हमने सारी वेस्ट कल्चर, वेस्ट से ही जो है हमने ये सारी चीज़ें ठीक सीखी. हमारी जो है ग्रोथ हुई, मॉडर्निटी की जो ग्रोथ हुई, वो सारी चीज़ें हमारी जो है हमने वेस्ट से ही सीखी. साइंस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गई, इक्वलिटी हो गई. ठीक है, मेडिवियल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. मेडिवियल ऐसा टाइम था जहाँ मतलब जो फीचर्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ स्टडी. सो एज यू विल सी इन बुक अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल डू नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड प्रोग्रेशन. ठीक है, अब जैसे मॉडर्न जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें भी ये था कि हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जब लोगों पे रूल किया तो लोगों की कोई इक्वलिटी नहीं थी उनके पास, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी नहीं थी. ठीक है, और कहीं पे उनके इकोनॉमिक कोई किसी भी चीज़ से प्रोग्रेस नहीं थी. ठीक है, सो इसीलिए जो है बहुत से हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को जो है कॉलोनियल पीरियड भी रिफ़र किया. जो है मॉडर्न पीरियड है इसको जो है कॉलोनियल पीरियड भी प्रिफर किया. ठीक है, सो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश कम टू कंक्योर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल. तो इसमें इस बुक में आप ये पढ़ेंगे, ये जो हम 8th क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में थी जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए थे तो उन्होंने यहाँ अपने कैसा रूल किया था, अपना राज कैसे हमारे कंट्री में किया था, हम लोगों को जो हमारी कंट्रीज़ के लोकल नवाब से राजास थे उन लोगों को उन्होंने कैसे दबाया था, यही चीज़ जो है हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, यू विल सी हाउ द एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस. हम इसमें ये भी चीज़ें देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी पे कैसे कंट्रोल किया था, हमारा जो कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो हमारे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे. बॉट द गुड्स दे वॉन्टेड एट द लो प्राइस. जो हमारे गुड्स थे, जो हमारे फार्मर्स या फिर जो भी क्रॉप्स हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, और भी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे, उन लोगों को वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए या फिर अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए वो कैसे वो लो प्राइस में खरीदते थे, जिससे कि कहीं ना कहीं हम ही लोगों को या फार्मर्स लोगों को, मर्चेंट्स लोगों को ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता था. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज अबाउट टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिस. व्हेन द सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अदर कंट्री लीड्स टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस, वी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. सो कॉलोनाइजेशन होता क्या है, तो मतलब जब एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री पे दबाव डाल रही है, किन टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में और या फिर इकोनॉमिक, वहाँ की इकोनॉमी में या फिर सोशल आसपास के जो लोग हैं उनमें या फिर उनके कल्चरल चेंजेस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन. मतलब जब एक, जैसे कि ब्रिटिश ने हमारी कंट्री पर दबाव डाला, हमारी इकोनॉमी को उन्होंने कम किया, ठीक है, या फिर हमारे कल्चर को उन्होंने अपना जो भी वो चीज़ें देखी, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. सो यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल द क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज सेम चेंजेस इन द सेम वे. दैट इज़ व्हाई द बुक इज़ ऑल्सो कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल. तो आप देखेंगे कि हाउएवर जो ये सारे चेंजेस थे जो ब्रिटिश के वजह से आई, जो ये चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे हमारे इंडिया में जितने भी लोग थे, जो मतलब जो कंट्री में, सॉरी, जो कंट्री में जितने भी लोग थे उन्होंने जो भी ये चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे वो सबके लिए सेम नहीं थे. मतलब हर किसी के लिए अलग अलग वे में जो है उन्होंने चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे. तो इसीलिए हम इसको, जो बुक का नाम रखा गया, इसीलिए द पास्ट अवर पास्ट रखा गया है, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग इसमें पास्ट था. सो हाउ डू वी नो, सो हमें कैसे पता लगा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में.
सो व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट टू 50 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री. तो हमें जो लास्ट जब हमें आज से 250 साल पहले जब ब्रिटिश का इंडिया पर शासन था तो तब क्या चीज़ें होती थी, कैसे चीज़ें चलती थी, हमें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, ये हमें देखेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड. जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ब्रिटिश शासन था वो क्या अपना हर चीज़ का जो वो जो भी चीज़ करता था, जो भी चीज़ें वहाँ रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उन्हीं सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखता था. ठीक है. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. जो इम्पॉर्टेंट सोर्स था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो ये था कि वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिश ये सोचते थे कि राइटिंग एक्ट ऑफ जो राइटिंग है, लिखना बहुत ही ज़रूरी है. एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. जितने भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, प्लान हैं, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, जितने भी एग्रीमेंट है या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, उनको अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कल के दिन चीज़ें उन्हें याद रहे कि उन्होंने क्या प्लान किया था, क्या डिसीज़न लिया था, और वो इस पर डिबेट भी कर सकें. ठीक है. और इनके बारे में अच्छे से पढ़ भी सकें. The British also felt that all the important documents and letters needed to be carefully preserved. तो ब्रिटिश ने ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये भी सोचा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी लेटर्स हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए ताकि वो कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाए. सो दे सेट अप अ रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. सो उन्होंने क्या करा, एक रिकॉर्ड रूम बनाया जो कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से रिकॉर्ड मतलब अटैच था. उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड रूम बनाया जहाँ की वो अपने सारी जो भी चीज़ें वो लिखते थे वो सारी चीज़ें वो रखते थे. ठीक है. सो द विलेज तहसीलदार ऑफिस हो गया, वहाँ भी उन्होंने जो है रिकॉर्ड रूम बनाया. कमिश्नर ऑफिस हो गया और जो उनका हो गया, ठीक है, लॉ कोर्ट हो गया, ये सारी जगह पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड रूम बनाए. सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम थे. इवन उन्होंने क्या करा, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. मतलब आर्काइव्स या म्यूजियम मतलब जहां हम पुरानी चीज़ें रखते हैं, तो उन्होंने अपने ऐसे म्यूजियम्स भी बनाए जहां कि वो अपने रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रख सकते हैं. देखिए यहां पे एक द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, यहां पे देखिए ये आर्काइव की यहां पे एक इमेज भी आपको दिखाई दे रही है. सो लेटर्स एंड मेमोस that moved from one branch to of the administration to another in the early years of 19th century can still be read in the archives. अब देखिए जो भी ये letters हैं और जो भी चीज़ें उन्होंने रखे हैं, और मतलब हम early 19th century में भी ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं क्योंकि और इन्हीं की help से जो है लोगों ने history भी लिखी है. Indian जो ये modern Indian history जो ये लिखी गई है, मतलब तो इसमें क्या, ये हम जो ये चीज़ें हैं अभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वे अच्छे से अभी भी प्रिजर्व हैं हमारे आर्काइव्स में, म्यूजियम में जो है अभी भी रखी गई हैं. सो यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंड बाई ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो हम सारे नोट्स हो गए या रिपोर्ट्स हो गए जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल होते थे जो प्रिपेयर करते थे, या फिर जितने भी इंस्ट्रक्शन थे जो कि डायरेक्टिव्स जो है ऑफिशियल के थ्रू सेंड किए गए थे, वो सारे जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को जितने भी ऑफिशियल सेंड किए गए थे, ये सारी चीज़ें जो है इसका रिकॉर्ड जो है आज भी पड़ा हुआ है. इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाई कैलीग्राफीज. जब फिर क्या है 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो हम डॉक्यूमेंट्स थे इनको केयरफुली कॉपी भी किया गया और हमारे जो कैलीग्राफिस्ट है मतलब जो बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में जो चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, उन लोगों ने जो है इन नोट्स को, इन रिकॉर्ड्स को अच्छे से कॉपी किया. By middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. फिर क्या हुआ, जब 19th century के बीच में जब हमारी printing technology आई, printing की technology आई, जब हम चीज़ें print कर सकते थे, तो हमने जो है इन सब चीज़ों की multiple copies भी बनाई, ठीक है, और हमने इन सब चीज़ों का जो records थे उन सबको print किया, ठीक है, और इनकी multiple copies थी जो अपने पास रखी.
सो सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट. अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तो वो उस टाइम पे सर्वे करते थे बहुत सारे, ताकि वो लोगों को अच्छे से जान सके, वहाँ के कल्चर को जान सके, और जो है अपना राज जो है और हमारी कंट्री में फैला सके. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड. ठीक है, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यही सोचा कि अगर हमें किसी एक कंट्री को अच्छे तरीके से जानना है, ठीक है, हमें उस पर राज करना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, तभी जो हम उस पर राज कर सकते हैं. सो इसीलिए जो है उन्होंने सर्वे करना स्टार्ट कर दिया. By the early 19th century, detailed survey was being carried out to map the entire country. फिर early 19th century में क्या हुआ, बहुत से डिटेल सर्वे उन्होंने किए गए, जिससे उन्होंने कंट्री का मैप भी बनाया. ठीक है, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड. विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट हो जो है उन्होंने कराए. द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सोयल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना. ठीक है, जो ये विलेजेस में उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराए थे, इनका मेन जो मकसद था वो ये था कि वो उस विलेज की टोपोग्राफी के बारे में जान सके, मतलब कि वहाँ जो विलेज है उसकी सॉइल क्वालिटी क्या है, वहाँ के जानवर कैसे हैं, वहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है, और वहाँ की जो लोकल हिस्ट्रीज कैसी हैं, वहाँ का जो है क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, वो ये जान सके, जिससे कि उन्हीं को अगर वो हर जगह की चीज़ें जान सकेंगे तो आसानी से उन्हें पता लगेगा कि हाँ इस जगह पे ज़्यादा फ़ायदा है, तो वहाँ पे वो अपना और ज़्यादा राज करेंगे. इसीलिए वो सारी चीज़ों को वो अच्छे से जानना चाहते थे. सो फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स. फिर क्या था, जब 19th century के एंड में सेंसस ऑपरेशन मतलब जनगणना जो थी, हर 10 साल बाद जो है जनगणना कंडक्ट की गई. मतलब जनगणना मतलब कि एक स्टेट में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने लोग रह रहे हैं. सो दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल दी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. मतलब इसमें क्या था, वही डिटेल रिकॉर्ड रहता था कि मतलब सारे इंडिया में जो है हर स्टेट में हर जगह पे जो है हर किनारे कोने पे जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं कितने लोग रह रहे हैं. ठीक है, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. वो ये नोट करते थे कि लोगों की कास्ट, उनका रिलीजन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में जो सेंसस जनगणना होती थी इसमें नोट किया जाता था. देयर वर मैनी अदर सर्वेस, और भी बहुत सारे सर्वेस होते थे, जैसे बॉटेनिकल सर्वे हो गया, जैसे पेड़ पौधों के बारे में जानते थे, जूलॉजिकल सर्वेस हो गया जिसमें जानवरों के बारे में वो जानते थे. ठीक है, ये सारे जो सर्वे होते थे ये सर्वे भी उन्होंने करने शुरू किए. ठीक है, फिर इसमें व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. अब ऑफिशियल चीज़ों में तो रिकॉर्ड्स जो थे उन्होंने बस ब्रिटिशर्स ने अपने जो प्लान्स थे, अपने डिसीजन थे, अपने रिकॉर्ड थे, उन्होंने कैसे रूल करना है, यही चीज़ें उन्होंने जो उसमें लिखे थे. बट उस टाइम पे जो है वो वहाँ के लोग कैसे सफ़र कर रहे थे, वहाँ के लोग कैसे रह रहे थे, ये सब चीज़ें उनमें नहीं लिखी गई थी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं. तो ये सब चीज़ें कि हमारे देश ने आज़ादी से पहले क्या क्या चीज़ें सफ़र करी, कैसे अंग्रेज़ों ने अपना शासन चलाया, ये चीज़ें हमें कैसा पता चली, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इसमें. सो जो हमारे From the vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought. But वही जो मैंने आपको बताया कि अभी इन सब चीज़ों से हमें official चीज़ें ही पता चलेंगी, लोगों के personal life के बारे में या लोग कैसे अपना वहाँ पर life spend कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये नई चीज़ें नहीं पता चलेंगी. ठीक है, सो दे वर इंटरेस्टेड इन एंड वट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी. दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड वट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड वट ले बिहाइंड देयर एक्शन. वही है कि इस इन रिकॉर्ड्स के बारे में से हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो कंट्री में लोग रह रहे हैं और लोग वो क्या फील करते हैं, ठीक है, वो कैसे रह रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इन रिकॉर्ड से नहीं जान सकते थे. सो उसके लिए फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. तो उसके लिए क्या है, हमने कहीं और ढूंढना, हमने कहीं और जो है चीज़ों को देखना शुरू किया.
सो व्हेन वी बिगेन, जब हमने शुरू किया टू सर्च फॉर अदर सोर्सेज, वी फाइंड देम इन प्लैनेटी, जब हमने ऐसे अदर सोर्सेज के बारे में ढूंढना शुरू किया जिससे कि हमें पता चलेगी कि हमारे जो कंट्री के लोग थे वो कैसे रह रहे थे, तो हमें बहुत सी चीज़ें थी जो हमें मिले जिससे कि हम ये सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, हाँ ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनको ढूंढने से ज़्यादा मतलब क्या मुश्किल था, क्योंकि रिकॉर्ड्स जो थे और एक जगह लाइब्रेरी में या म्यूज़ियम में प्रिजर्व थे, बट जो ये रिकॉर्ड्स थे पर्सनल चीज़ें थी इसे जानने में हाँ हमें जो है बेशक थोड़ी जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने मेहनत भी करी। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, यहाँ पे हमें क्या है लोगों की डायरी मिली जिसमें उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा होगा या फिर उन्होंने लिखा होगा, और हमें ट्रेवलर्स के डायरीज़ मिली जिसमें उन्होंने चीज़ें लिखी होंगी, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, कैसे कि वो इंग्लिश जो हमारा ब्रिटिश हमारे पे शासन कर रहा है कैसे वो इसको हटाने के लिए अपनी कंट्री को आज़ाद करने के लिए कैसे वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी होगी, ठीक है। और जो पॉपुलर बुकलेट्स थे जो वो लोकल बाज़ार में सेल करते थे, एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर इस्टेब्लिश्ड एंड इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नोवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। फिर जैसे ही प्रिंटिंग स्प्रेड आया, जैसे प्रिंटिंग हमने लेट 19th सेंचुरी में जैसे ही मतलब प्रिंटिंग जब भी प्रिंटिंग का हमारा टेक्नोलॉजी आई थी जब प्रिंट कर सकते थे हम चीज़ें, तो जो कंट्री के लीडर्स थे या फिर जो नोवलिस्ट थे उन पोएट्स थे उन्होंने अपना आइडिया लिखी, अपने मन की फीलिंग एक्सप्रेस करी, ठीक है, कि हम कैसे जो है ब्रिटिश से इन लोगों से लड़ सकते हैं, इनके खिलाफ हमें जो है एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा। सो ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाई दोज हु वर इलिटरेट, सो ये जो सारी सोर्सेज थे वो ये वही उन्हीं लोगों ने लिखे थे जो लिटरेट थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे उन्हीं लोगों ने लिखे थे। From this, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribes and the peasants. हम मतलब इससे ये तो पता चल लगा सकते हैं कि जो लिटरेट लोग थे उन्होंने लिखा तो उनकी लाइफ कैसी रही होगी, लेकिन जो वो लोग जो कि लिख नहीं सकते थे, जो ट्राइबल्स थे या फिर जो किसान थे, जो वर्कर्स थे जो माइन में काम करते थे, उनके बारे में हम ये सब चीज़ें नहीं पता लगा सकते हैं, जो गरीब लोग थे स्ट्रीट्स में रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में जानना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, तो उनकी लाइफ में जो है कभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या चीज़ें थी इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल सका, ठीक है। सो येस, दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन डन, हाँ ये चीज़ें भी पॉसिबल थी, अब जिसके लिए हमें कि थोड़ा और एफर्ट करना पड़ा लोगों को, वो सारी चीज़ें भी अगर जब ये हम हिस्ट्री की अभी आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम सारी चीज़ें हमें पता चलेंगे, ठीक है। सो जो ये चैप्टर है उसमें इतनी चीज़ें थी कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसे डिवाइड हुई, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ राज किया, ठीक है, और यही सारे जो डेट्स हैं वो कैसे कितने इम्पोर्टेंट है, और कोलोनाइजेशन क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जो है दिया गया है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।